नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज किस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हम लोग के बीच में जो भी कैंडिडेट है जिनको भी अभी तक ये चीज पता होगा या हो सकता नहीं भी पता होगा कि फीमेल के लिए हर साल जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए हर साल बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां निकलती है, ऐसे सरकारी जॉब निकलते हैं जो भी जिसमें पेमेंट नहीं लगता है और आपको जो क्वालिफिकेशन होता है वो लगभग 10वीं पास से चालू हो जाता है। मतलब जो कैंडिडेट अगर 10वीं पास है वैसे कैंडिडेट अभी अगर जैसे अप्लाई करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, मगर इसमें भी एक उम्र सीमा होता है दोस्तों कि इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका उम्र सीमा कितना है। तो मैंने आज इसीलिए एक वीडियो बनाया है आप लोग के लिए, जो भी हमारी बहनें ये वीडियो देख रही है, जो भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट देख रही है उनके लिए स्पेशल वीडियो है। तो कैसे हम लोग ये फॉर्म के बारे में बताएंगे आपको कि इस फॉर्म में क्या क्या आपको जानकारी मिलेगी और किस टाइप के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ये फॉर्म में जनरली जो कैंडिडेट के लिए वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म है और जो क्वालिफिकेशन है और जो आपको पेमेंट है इस सब के बारे से लेके पूरा। ऐसे तो बहुत सारी सरकारी नौकरियां हर साल आती है दोस्तों, मगर कुछ ऐसे भी सरकारी नौकरियां हैं जो हर साल आने के बाद भी मतलब कुछ क्वालिफिकेशन बहुत कम होता है और उसमें जी आपको जो वैकेंसी का सीट होता है वो भी लगभग 2,000 3,000 4,000 के अप्रोक्स आते रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे वैकेंसी जो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो भी फीमेल कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर मेरा ये वीडियो अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, जो भी मैं फॉर्म के बारे में बताऊंगा, जो भी सरकारी फॉर्म आएंगे उसके बारे में बताऊंगा, तो आपको इसका नोटिफिकेशन बहुत पहले पहुंच जाएगा और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस टाइप का फॉर्म आया है इसके बारे में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हर साल आने वाली भर्ती, ठीक है, योग्यता 10वीं से ग्रेजुएशन तक, जो कैंडिडेट 10वीं से ग्रेजुएशन तक है कंप्लीट, ठीक है, जो कोई 10वीं पास करके भी है, कोई ग्रेजुएशन तक भी है, कोई 12th पास भी है, तो उनके लिए मैंने ये जो है एक डाटा तैयार किया है, जो कम से कम 5 वैकेंसी मैंने उनके लिए ऐसा निकाल के लाया। ऐसे बहुत सारे वैकेंसी दोस्तों, मगर मैंने अभी 5 पर वीडियो बनाया कि ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, तो 5 तरह के जैसे वैकेंसी है जिसमें आपको आप भर सकते हैं, जिसमें आपको 10वीं से ग्रेजुएशन तक का क्वालिफिकेशन अगर है तो। ठीक है, चलिए उम्र सीमा की मैं बात करूं दोस्तों, इसमें योग्यता तो पहले मैंने क्लियर कर दिया, जो आपको 10वीं पास से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके बाद उम्र सीमा है दोस्तों 18, ठीक है, उम्र सीमा 18 से अलग अलग, मतलब 18 साल से ऊपर जो होता है 25 23 23 है, 25 से 27 है, ठीक है, 30 है, इस टाइप से। इसके बाद फी की मैं बात करूं दोस्तों, तो फी 0 भी हो सकता है और फी में पेमेंट भी कुछ हो सकता है। कुछ ऐसे भी फॉर्म बताऊंगा आपको आज में जिसमें पेमेंट 0 होगा, कुछ ऐसे फॉर्म पेमेंट जो भी वेबसाइट के नाम बताऊंगा, जो फॉर्म के बताऊंगा उसमें पेमेंट हो सकता है। ठीक है, नौकरी जितना भी मैं बताऊंगा दोस्तों ये आपको परमानेंट जॉब होगा, ये नहीं कि कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 1 साल 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो भी मैं क्लियर कर दिया, आपको परमानेंट आपको जॉब मिलेगा। अब वेतन की जहां तक बात करें दोस्तों, तो वो 30,000 से 40,000, 40 से 50 70 के भी अप्रोक्स जा सकता है, इतना इतना वैकेंसी में इतना इतना पेमेंट का बात है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो भी फीमेल कैंडिडेट देख रही है, चाहे उन वो आप बिहार से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे झारखंड से, जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया, मैं जितने फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ आज आपको दोस्तों, वो ऑल इंडिया कोई भी फीमेल कहीं भी है तो वो ऑल इंडिया से ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म है दोस्तों ऑल इंडिया, ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट देख रही है वो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे कैंडिडेट को भी पता चले कि उनका जो फॉर्म है अगर वो जो भी स्टेट से तो वो भर सके। ठीक है, सबसे पहला वैकेंसी की मैं बात करूं दोस्तों, विभाग की बात करूं तो सबसे पहला वैकेंसी आपको बताऊंगा दोस्तों स्टेट पुलिस। ठीक है, स्टेट पुलिस में क्या होता है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टेट पुलिस में आपको आपके जिस राज्य में आप रहते हैं, ठीक है, वहां से आपको स्टेट पुलिस का वैकेंसी आता है, हर साल आता है, चाहे आपको 2 दिन मतलब इस जैसे कि बिहार में अभी बिहार पुलिस जैसे आ चुका था, यूपी में भी यूपी पुलिस आ चुका था, इसी प्रकार से झारखंड पुलिस भी आया था, तो इसी प्रकार से हर जगह से अपना एक वैकेंसी आता है जो कि आपको स्टेट पुलिस के नाम से, मैंने इसका एक विभाग बना दिया, बता दिया आपको कि हर बार जो आता है, ठीक है, अपने अपने राज्य से। ठीक है, जैसे मेरी बात, मैं मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, मैं बिहार की बताता हूँ,
बिहार में भी स्टेट पुलिस आया था, बिहार पुलिस आया था फॉर्म, जो कि किसी कारण से रद्द भी हो गया था, फिर इसका एग्जाम भी चालू हो गया है, अब एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं ये वैकेंसी के बारे में अभी फोकस करूंगा कि ये वैकेंसी आता है हर साल इसके बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपको वैकेंसी का नेम, बिहार पुलिस या स्टेट पुलिस, जो आपका आप जो इसमें फॉर्म अगर भरना चाहते हैं अपने स्टेट से तो भर सकते। ठीक है, फी की मैं बात करूं दोस्तों, सॉरी एज की मैं बात करूं पहले, तो इसमें जो एज है दोस्तों मिनिमम आपको रहता है 18 होना चाहिए और मैक्सिमम होना है 25। इसके बाद ओबीसी कैंडिडेट कोई अगर है या ओबीसी और एससी कैंडिडेट है, ठीक है, उनके उनके राज्य पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उनके राज्य में बता रहा हूँ, अपने राज्य में बता रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ ओबीसी और एससी कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनको ना एज रिलेक्शन मिलता है 3 साल और 5 साल। ठीक है, हर तरह का वैकेंसी है, हर तरह का एज रिलेक्शन मिलता है, किसी में 2 साल किसी में 3 साल, तो वो आप देख लीजिएगा। नॉर्मली 3 साल 5 साल वैकेंसी जो भी मतलब एज रिलेक्शन होता है, एज में जो छूट होता है वो उनको मिलता है। ठीक है, तो ये उनका छूट हो गया एज वाला में, मतलब उन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप 10वीं पास है तो आपको जो है 18 से 25 जो है ओबीसी और एससी जो 3 साल 5 साल के वैकेंसी साथ आप भर सकते हैं। योग्यता, योग्यता जो मैंने पहले बता दिया दोस्तों, तो योग्यता इसमें चाहिए आपको 10th pass 12th pass, ठीक, मतलब 12th pass इसमें चाहिए। ठीक है, जो भी कहना होगा 10th plus 12th रहता है दोस्तों, तो 12th pass इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12th pass जो कैंडिडेट होंगे, 10th plus 12th जो पास होंगे वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं अपने स्टेट में, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से, चाहे झारखंड से। ठीक है, इसके बाद फी की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें फी जो अभी बिहार का अगर फॉर्म भरा था तो 180 रुपीज पेमेंट करना था, हो सकता है आधा स्टेट तक 100 रुपए पेमेंट कटे या हो सकता है नहीं भी कटे। ठीक है, तो वो अपना अपना स्टेट पे डिपेंड करता है, इसके लिए आप अपने स्टेट से देख सकते हैं, जिस स्टेट से आप हैं, बिहार से इतना पेमेंट आता है या इतना पेमेंट लगता है, जो कि हर साल वैकेंसी भी आ रहा है। ठीक है, चलिए जॉब की बात करें दोस्तों, ये तो क्लियर है कि ये जॉब आपका परमानेंट है, इसमें कोई नो लेकिन किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, उसका लोकेशन, लोकेशन ऑल इंडिया मैंने दिया दोस्तों, लोकेशन ऑल इंडिया इसलिए मैंने दिया है इस फॉर्म में भी कि आपके लोकेशन से भी, मतलब आपके राज्य से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसलिए ऑल इंडिया लोकेशन दिया, जो भी अपने राज्य से है वो भी फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें वेतन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो वेतन होता है ना दोस्तों, वो आपको होता है 21,700 से लेके 69,100 तक इसका पेमेंट आपको होता है। ठीक है, सैलरी जो इसका होता है वो उतना होता है, ये मतलब मैंने एक जो आपको डेटाबेस नेट से देख के बताया मैंने आपको कि इतना नॉर्मली इसका पेमेंट का जो होता है या सैलरी होता है इतना इनको मिलता है। ठीक है, इस वाले फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई क्वेश्चन आपको दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी फॉर्म के बारे में, जो मैं दूसरा फॉर्म आपको बता कर रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा फॉर्म मेरा कौन सा फॉर्म है दोस्तों, दूसरा फॉर्म जो मैं बता रहा हूँ आपको SSC MTS दोस्तों, SSC MTS की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी भी SSC MTS का फॉर्म आपको जो अगस्त महीने में 3 तारीख तक रह चुका था, 3 तारीख तक फॉर्म भराया था, जो कि हर साल आता है। SSC MTS का जो फॉर्म है दोस्तों वो हर साल आता है और ऑल लोकेशन कोई भी कैंडिडेट को फॉर्म भरता है, जो आपको पता होगा। SSC MTS में दोस्तों दो तरह का वैकेंसी होता है, एक तो होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ और एक होता है हवलदार का वैकेंसी। ठीक है, एक हवलदार का वैकेंसी इसमें होता है, दो टाइप का जो इसमें जॉब होता है। ठीक है, एज की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका जो एज होता है वो होता है मिनिमम 18 और एक मैक्सिमम होता है 25 से 27, जिसमें पोस्ट वाइज रहता है, मतलब आप जैसे फॉर्म भर दिए ये वाला, तो पोस्ट वाइज आपको ये दोनों एज रहेगा। हो सकता है मल्टी टास्किंग स्टाफ आपने भरा तो उसका होगा 18 से 25 तक, या आपने हवलदार का भरा तो 18 से 27 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दोस्तों एज रिलेक्शन आपको मिलता है, एज में छूट मिलता है। जो भी कैंडिडेट जिस जगह से है तो उनको ओबीसी एससी एसटी है, जो भी कैंडिडेट है तो उनको भी यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलता है, जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म में वो एज रिलेक्शन ले सकते। अब मैं योग्यता की बात करूं दोस्तों, इसमें भी दोस्तों आपको जो योग्यता होने वाला है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10th pass, इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, ज्यादा पढ़ाई नहीं करना इसमें। अगर SSC MTS का फॉर्म को तैयारी भी कर लेते दोस्तों, बहुत ही अच्छा सैलरी है, बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों, क्योंकि 10th pass पर जो भी कैंडिडेट अगर 10th pass किए मान लीजिए दोस्तों, और उनका 2 साल का तैयारी होता है 12th करने का। ठीक है, अगर उनको जॉब लेना है ना, मेरे ख्याल से दोस्तों अगर उनको जॉब लेना है तो 2 साल जो वो तैयारी करते हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, ठीक है, अगर MTS की तैयारी करते हैं दोस्तों,
तो 2 साल में उनका पूरा जो बेस है ना मजबूत हो जाएगा, पूरा पावर पे आ जाएगा। और इस 2 साल में वो अगर जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग वगैरह पे ध्यान देंगे ना दोस्तों, वो जरूर एक एमटीएस का फॉर्म निकाल लेंगे। कोई भी कैंडिडेट अगर पढ़ने वाला होगा, पढ़ता होगा बंदा, तो वो निकाल सकता है, फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, ठीक है। तो इसमें योग्यता क्या है दोस्तों, 10 पास। दोस्तों जितना भी मैं फॉर्म बता रहा हूँ दोस्तों, वो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं, मगर मैं आज के इस टॉपिक में सिर्फ बस सिर्फ फीमेल के लिए बता रहा हूँ कि फीमेल इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और इस सब फॉर्म को मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि इसमें आपको बहुत सारा छूट मैं दिखाता हूँ, बार बार मैं आपको छूट दिखाऊंगा। पहला तो 10th पास वो तो क्लियर कर दिया। अब मैं फी की बात करूँ दोस्तों, तो जो भी कैंडिडेट चाहे वो ST हो, OBC हो, जनरल हो, जिस स्टेट से हो, उनका जो पेमेंट है ना दोस्तों, इसमें 0 है, कोई पेमेंट इसमें नहीं लगता है, ठीक है। SSC का दोस्तों जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो SSC MTS में कोई पेमेंट आपको नहीं लगेगा, 0 पेमेंट लगेगा। तो आप ये फॉर्म खुद से ही भर सकते हैं, साइबर कैफे से भी जाके भरवा सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म बहुत ही आसान है, मतलब आपके लिए है कि आपको पेमेंट नहीं लगेगा, तो आप पेमेंट नहीं लगे तो जाहिर से आप इसको आराम से अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। नौकरी की बात करो दोस्तों, तो ये जॉब भी परमानेंट है, इसमें भी लेकिन किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि ये भी परमानेंट जॉब है, ठीक है। लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो लोकेशन ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, इसलिए फिर मैंने बताया दोस्तों बार बार लोकेशन पर, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया का मतलब ये इसलिए कि कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी ये फॉर्म भर सकता है, कहीं से भी, ऑल इंडिया में कहीं से भी फॉर्म भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वेतन की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो वेतन मिलता है, कितना वेतन इसका आता है SSC MTS का, तो वो आपको दोस्तों अप्रोक्स आपको आता है 35,000 से लेकर 40,000 रुपया, ठीक है। इसमें जो पेमेंट आता है दोस्तों 35,000 से 40,000 तक SSC MTS का पेमेंट की बात करोगे तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी कैंडिडेट अभी तक मेरा इस वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप SSC MTS का भी तैयारी कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा है, कि जॉब आप 2-3 साल तैयारी ढंग का किया रहता है तो 18 के बाद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके बारे में बताने वाला आपको, तीसरा जो आपका वैकेंसी आ रहा निकल के दोस्तों, वो आपको बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अभी ये फॉर्म भरा भी रहा था दोस्तों, और अभी आपको 5 तारीख तक इसका डेट दिया गया था कि फॉर्म भराएगा, और इसका डेट बढ़ भी सकता है, आप लोग वो देख लीजिएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जॉब इसलिए बहुत शानदार मैं कहने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें जो एज दिया गया है वो 18 से 40 है, पेमेंट 0 है, और कोई भी ऑल इंडिया कैंडिडेट कोई भी फॉर्म भर सकता है, मतलब कोई भी गर्ल बॉयज कोई भर सकता है, ऑल इंडिया फीमेल अगर बात करें तो फीमेल में कोई भी बहन फॉर्म को भर सकते हैं, 40 इयर्स एज है। तो क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, सब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसका जो फॉर्म का नाम है वो पहले क्लियर कर दो, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कौन सा फॉर्म है, तो फॉर्म है दोस्तों अभी जो चल रहा था पोस्ट ऑफिस GDS का दोस्तों, GDS पोस्ट ऑफिस GDS का। तो पोस्ट ऑफिस GDS का जो भी कैंडिडेट फॉर्म अभी तक नहीं भरे थे, अगर डेट बढ़ जाता तो आप लोग जरूर भर ले, जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अच्छा वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस GDS वाला, क्योंकि इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मैं भी आपको बता दो, पहले तो एज बता देता हूँ, इसमें जो एज है दोस्तों वो आपको मिनिमम 18 है, मैक्सिमम इसमें जो एज है 40 है, ठीक है। आपका उम्र 18 से होना चाहिए कम से कम, और 40 कम से कम होना ही चाहिए, 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 40, ठीक है। इसके बाद योग्यता की मैं बात करूं दोस्तों, इसमें भी मैंने बहुत अच्छा आपके लिए बनाया है दोस्तों, स्पेशल मैंने फीमेल कैंडिडेट के लिए वीडियो चुन के बनाया है, क्योंकि उनको पेमेंट का भी थोड़ा सा इश्यू रहता है, थोड़ा सा इश्यू रहता है, और जहां तक क्वालिफिकेशन की बात कर, ज्यादा पढ़ाई किसी कारण से नहीं कर पाते तो उसका भी थोड़ा सा होता है, इसलिए वैसे तो गर्ल्स बहुत ज्यादा पढ़ती है, बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं बॉयज के मुकाबले, हर जगह हर क्षेत्र में मैंने देखा है कि उन लोग का भी अपना वर्चस्व बना हुआ है, बट फिर भी कुछ ऐसे कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। आप लोग शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, जो कैंडिडेट ऐसे है कि 10th पास है, घर में बैठे कोई काम नहीं, उनको जॉब की तलाश है, तो इस टाइप के फॉर्म भरे तो उनका वैकेंसी लग सकता है, उनका जॉब लग सकता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। चलिए फी की बात करो दोस्तों, तो फी इसमें भी दोस्तों 0, 0, 0, कोई पेमेंट नहीं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पेमेंट नहीं कटेगा आपको SSC ऑफिस GDS का जो है, जो पोस्ट ऑफिस GDS का जो फॉर्म, इसमें कोई पेमेंट नहीं कटेगा, जो भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट पड़ेगी कोई पेमेंट उनको नहीं कटेगा। ये भी दोस्तों नौकरी जो है ना परमानेंट है, कोई ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि कम सैलरी है तो आपको लगेगा कि कम सैलरी में होगा तो हो सकता है परमानेंट हो, या मतलब परमानेंट नहीं भी हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑल इंडिया कोई भी कैंडिडेट इसको भर सकता है, और जॉब आपका परमानेंट है। और इसका सैलरी की मैं बात करूं दोस्तों, इसका सैलरी है दोस्तों 10,500 से लेकर 12,500, ठीक है,
हो सकता है दोस्तों जब आप इसमें जॉब में चले जाते हैं तो इसका सैलरी कुछ ऊपर नीचा भी हो या बढ़ भी जाए, इसके बारे में आगे जानकारी जब आपको जॉब होता है तभी आपको पता चल पाएगा, जो भी कुछ डिपार्टमेंटल होगा इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल जो जानकारी निकल के भी आती है ना कि पेमेंट कितना आता है, तो 10,500 से 12,500 तक आपका सैलरी और पोस्ट ऑफिस DDS के फॉर्म में मिलता है, बनता है, ठीक है। चलिए चौथा जो वैकेंसी निकल के आ रहा है दोस्तों, चौथा वैकेंसी की मैं बात करूं आपको, मैंने एक एक करके दोस्तों अच्छा से अपने हिसाब से पूरा डिफिनेशन के साथ मैंने आपको बताया कि किस टाइप का फॉर्म है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपको पूछा जाता है, क्या आपका एज का एज होना चाहिए, ये सब। दोस्तों अगर आप लोग को जो भी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट अगर इस वीडियो को अभी तक देख रही है दोस्तों, तो मैं उनके लिए चीज कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो में ये पूछना हो कि सर अभी कौन सा जो मतलब जॉब बचा हुआ है जो हम भर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा और आप उस फॉर्म को भरिएगा, आशा करता हूँ कि आप उसको निकाल भी सके, उसमें आप पास भी हो। चलिए अब मैं चौथा वैकेंसी जो बता रहा ना दोस्तों, वो है SSC GDS। तो SSC GDS का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो SSC GDS का जो वैकेंसी निकल के आ रहा है, ये चौथा मैं आपको बता रहा हूँ, तो SSC GDS में जो मैं आपको जो जॉब होने वाला है इसके बारे में, ये सब जो है ना आपको सब जो BSF इसके आपको CRPF इस टाइप का जो वैकेंसी होता है ना उसमें आपको जॉब होगा, जो कि जैसे कि मतलब BSF में, उसके बाद आपको CISF में, इसके बाद आपको होता है एक एक पर क्या है BSF CISF, इसके IT BP, ठीक है, 5-6 तरह का आपको इसमें आता है दोस्तों। इसके बाद आपको असम राइफल आ जाता है, ठीक है, असम राइफल का, इसके बाद मतलब इसमें इतना सारा जो है ना इस टाइप के BSF में CISF में IT BP में आपको SSC GDS का जो है मतलब आपको ग्रेड मिलता है इसमें, इस फॉर्म इस मतलब टाइप के वैकेंसी में आप जाते हैं, ठीक है, BSF में CISF में IT BP में असम राइफल में, ठीक है, SSF में, ठीक है, जो भी है SSF, इसके बाद NCB, ठीक है, इस टाइप के वैकेंसी में आपको जाने का SSC GDS के थ्रू मौका मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें एज की बात करें दोस्तों, इसमें भी आपको जो एज है ना दोस्तों वो है 18 से 23, इसमें आपका एज कितना होना चाहिए 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 23 होना चाहिए। और जहां तक मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपको एज रिलेक्शन मिलता है ना वो पोस्ट वाइज या आपको जो भी आपका OBC है ST ST है उसके बाद, तो वो आपको छूट मिल जाएगा आपका जो भी एज रिलेक्शन होगा उसके हिसाब से, जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें ऑप्शन आता है तो आप एज रिलेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है, ओबीसी और एससी के लिए। चलिए अब योग्यता की मैं बात करूँ ना दोस्तों, ऑफिस और जो और इसका जो फॉर्म है SSC GDS का, तो इसमें भी आपको योग्यता दोस्तों 10th पास, ठीक है, योग्यता 10th पास दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जो भी फीमेल कैंडिडेट अभी तक देख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मैं जितने भी वैकेंसी आपको दिखा रहा हूँ ना, 10th पास, इतना भी करके कोई लड़की अगर पढ़ के अभी तक अपना जो जॉब मतलब 10th पास करके बैठी हुई ना, अगर वो तैयारी करेंगे 1 साल 2 साल तो वो आराम से निकाल सकते हैं, उनका मिनिमम 18 साल मतलब जो एज है वो है 18+ में के बाद वो बैठी हुई है किसी कारण से, इतना अभी तक एज है उनका बचा हुआ है, जो एज रिलेक्शन मिल जाएगा तो वो जरूर इस फॉर्म को ट्राई करें, फॉर्म भरे, अपना जॉब निकाले, जो आपका खुद का टैलेंट रहेगा तो अलग बात, ठीक है। फी की बात करें दोस्तों, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए ध्यान दीजिएगा, जो भी है इसमें एक भी पेमेंट नहीं कटेगा दोस्तों, अभी तक ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं वैकेंसी बता रहा हूँ मेरा पूरा प्रयास है दोस्तों कि जो भी गर्ल्स ये फॉर्म के बारे में देख रही है ना उनको पेमेंट नहीं लगे, क्योंकि पेमेंट नहीं लगेगा ना तो वो सोच चलो पेमेंट नहीं लग रहा फॉर्म भर देते, साइबर चार्ज नहीं लगेगा, या बहुत होगा उनको खुद से नॉलेज है तो वो मोबाइल से भी भर सकती है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है, वो आराम से भर सकती है। चलिए नौकरी की मैं बात करता हूँ, तो नौकरी इसमें भी परमानेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, वो चीज ध्यान दीजिएगा, फ्री है आप। SSC का जो ये फॉर्म है SSC GDS का फॉर्म है, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी इस फॉर्म को भर सकता है, कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब इसका जो सैलरी है दोस्तों, इसका जो वेतन है, इसका भी वेतन दोस्तों 21,700 से लेके 69,100 तक इसका सैलरी है SSC GDS का। ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगी अगर वो क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाती है, एग्जाम पास हो जाती है, उनका जॉब निकल जाता तो उनका जो सैलरी होगा दोस्तों 21,700 से लेके 69,100 तक इनका पेमेंट होगा, जो भी तैयारी करे, जो भी इस फॉर्म को
भरेंगी अभी भी, अगर इसका जो आपको अगर फॉर्म भरना होगा तो इसका फॉर्म बचा हुआ है दोस्तों, इसका डेट बचा हुआ है और ये फॉर्म आपको आने वाला है 27 तारीख को, 27 से 23 तारीख को आने वाला है, वो आप देख सकते हैं। आप गूगल पे नोटिफिकेशन पे भी ट्राई कर सकते हैं कि देखिए कि इसका डेट क्या बने, मगर इसका वैकेंसी भी आया नहीं है, मगर इसी मंथ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसका वैकेंसी बचा हुआ है जो भी कैंडिडेट देख रही है। पांचवा जो वैकेंसी दोस्तों निकल के आ रहा है ना, मैं लास्ट ये वैकेंसी आपको बता रहा हूँ, जो पांचवा वैकेंसी बताऊंगा बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार, फीमेल कैंडिडेट के एज भी ज्यादा बताऊंगा, मतलब जो भी कैंडिडेट का एज भी अगर थोड़ा सा बढ़ गया है, एज ज्यादा भी है तो वो कैंडिडेट भर सकते, मतलब ये ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों जितना मैंने फॉर्म बताया ना आपको, तो हो सकता है कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि डिफेंस लाइन में नहीं जाना चाहती है, वो चाहती है कि मैं आराम से बैठ के काम करूं कहीं भी एक जगह, तो वैसे कैंडिडेट के चाहे वो जो भी कैंडिडेट हो सकता है मैरिड हो अनमैरिड हो, वैसे कैंडिडेट के लिए भी, तो इसी टाइप के लिए मैंने एक ये लास्ट आपके लिए फॉर्म के बारे में पता कर किया है, जिनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक होगा वही ये फॉर्म को भर सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों IBPS PEO के बारे में दोस्तों, IBPS PEO PEO का फॉर्म दोस्तों अभी आया है, जो कि आपको IBPS PEO का ये फॉर्म अभी चल रहा है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहती है वो IBPS PEO का फॉर्म भर सकती है, जिसमें आपको एज की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसका एज है दोस्तों आपको 20 से 30 साल, ठीक है, मतलब 20 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। एज रिलेक्शन इसमें भी दोस्तों आपको एज रिलेक्शन मिल जाएगा, जब आप खुद से फॉर्म भरते जाए साइबर के साथ तो आपको एज रिलेक्शन वहां मिलता है, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जनरल ओबीसी जनरल को जाता था एज रिलेक्शन नहीं मिलता है, तो जनरल को छोड़ मैं बात कर रहा हूँ, पता कि ओबीसी एसटी जो भी कैंडिडेट है उनको मिलता है वो मिल जाएगा, ठीक है। योग्यता की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेगी, मैंने पहले ही बता दिया कि उनका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी ये फॉर्म को आप भर सकते हैं IBPS PEO का फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें जो फी लगने वाला दोस्तों, वो आपको पेमेंट है दोस्तों 850 रुपीज, जो आपको है जनरल ओबीसी का पेमेंट और बीसी सॉरी एसटी का जो पेमेंट है दोस्तों, वो पेमेंट है दोस्तों 175, ठीक है, 175 आपको SC ST का पेमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनका पेमेंट ये कटने वाला है, और ये फॉर्म भर के IBPS PEO का फॉर्म आराम से भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नौकरी की बात करें दोस्तों, बैंक का फॉर्म है ना, तो ये भी नौकरी जो है आपको परमानेंट है, आपको फिक्स पे, ये नहीं कि आपको कुछ सैलरी मिलेगा फिक्स होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये आपको परमानेंट है। अगर आप इस जॉब को निकालते हैं पीओ की तैयारी करते हैं निकाल लेते दोस्तों, तो शानदार जॉब है दोस्तों, सैटरडे संडे आपको मतलब महीने में तो दो दिन सैटरडे संडे को जो आप दो सैटरडे तो ऐसे ही मिल जाता है, संडे का छुट्टी अलग से, तो इसमें बहुत अच्छा वैकेंसी है, और कुछ सरकारी छुट्टी भी आती है उसमें भी बैंक बंद हो जाता है, तो ये भी लड़कियों के लिए जो फीमेल कैंडिडेट अभी तक देख रही है उनके लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। चलिए नौकरी तो मैंने समझा दिया, ये भी ऑन लोकेशन दोस्तों ऑल इंडिया, कोई भी कैंडिडेट जो भी मेरा वीडियो देख रही है ना, ऑल इंडिया कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकती है कोई भी, ठीक है, ऑल इंडिया। अब मैं वेतन की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो बेसिक सैलरी है ना दोस्तों, बेसिक सैलरी इसका 36,000 रुपए दिखाता है, जो नेट पर दिखाता है कि इसका जो सैलरी मिलेगा वो 36,000 बेसिक सैलरी है, और इसमें कुछ है, आपको जो जो भी उनका जो कुछ सैलरी में ऐड होता है, कुछ प्रमोशन होता है, जो भी आपको इंसेंटिव होता है, बहुत सारा चीज है, तो वो सब अलग से मिलके ऐड हो गया, वो सब कुछ बनता है, तो वो आपको अलग है। अगर आप जॉब कर लेते हैं, जॉब पा लेते हैं, तो सैलरी का भी आपको पता चल जाएगा, जो मिनिमम होता है, जो जानकारी होनी चाहिए कितना सैलरी मिल जाता है इस फॉर्म को भरने के बाद, वो मैंने इस वीडियो पर कवर किया, हर एक टॉपिक मैंने यही कवर किया, फॉर्म का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, पेमेंट क्या मिलता है, कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब, तो पूरे वीडियो में मैंने यही कवर किया दोस्तों। अगर आप लोग को ये वैकेंसी के बारे में जो मैंने बताया और आप लोग को अच्छा लगा, ये वैकेंसी आपने बहुत अच्छा बताया है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बाद अगले मंथ में अगस्त के बाद आपको अगले मंथ सितंबर में भी कोई नया वैकेंसी आता है तो मैं 5-6 तरह का वैकेंसी के बारे में बना के जरूर आपको इस तरह से वीडियो बना के समझाऊंगा, और आपको अगर किसी भी चीज के लिए पूछना हो, जितना मैंने जॉब के बारे में बताया कि इसका डेट बचा हुआ नहीं बचा हुआ, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसका रिप्लाई दूंगा कि किसका डेट बचा हुआ किसका नहीं बचा हुआ, और कुछ पूछना हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।